जवाब ही नहीं। आकाश सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। बिल्कुल सही कहा जानिका, इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हमारा आकाश सर ही तो है। आकाश सर, ये कौन है? लगता है हमारी कोई नई स्टाफ है। हाँ, बॉस ने बताया था। पर काम क्या करेगी, इसे तो कपड़े पहनने तक का सेंस नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। ईशा, तुम आकाश से मिल लो, वह तुम्हें तुम्हारा काम दिखा देगा। धन्यवाद मैडम। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। व्हाट इज योर नेम? जी, ईशा सिंह। सीधे गांव से आई हो क्या? पहले से ही कितनी नर्वस है। चलिए मैं आपको आपका काम सिखा देता हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती है ना आप? मुझको लागे है तुम लोगों को मारे पहनावे से बड़ी दिक्कत है, पर मेरे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। इंसान के कपड़े नहीं, उसके कर्म देखते हैं। और तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझको इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड की पोस्ट पर रखा गया है। तो तुम सब मारे को देखने की जगह अपना अपना काम देखो तो ज्यादा अच्छा हुए है। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको आपका काम दिखा देता हूँ। इसको हेड कौन बना दिया सर? क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पर बनकर आई है। पर इसकी भाषा तो देखो बिल्कुल गांव वाली है। भाषा तो इसकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार नहीं भूली है, जैसा कि यहाँ बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। और जिसे तू गवार कह रहा है ना मेरे दोस्त, वही भाषा आज भी तेरे घर पे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। क्या एटीट्यूड है इसमें? ना कपड़े पहनने का सेंस, ना बोलने का ढंग। मने लागे छे के चकली ना पंख निकली गया। मने चकली नो पंख कातरवा आवड़े छे, जस्ट वेट एंड वॉच। आप सभी के लिए एक खबर है, हमारी कंपनी ने अपने सारे टारगेट समय से पूरा कर लिया है। जल्द ही हमारे एमडी सर कंपनी विजिट करेंगे। आकाश? यस मैम। तुम सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। यस मैम। और हाँ ईशा। जी मैम। तुम हमारी कंपनी के लिए जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने करना है। ओके मैम, आई एम रेडी। एनी डाउट? नो मैम। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी विजिट पर आ रहे हैं, और इस अचीवमेंट का हीरो आकाश ही है। इसका मतलब आकाश का प्रमोशन पक्का। पर ईशा मैडम को तुम लोग कम मत समझना। क्या मतलब? मतलब ये कि ईशा मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रही है। देखना, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उन्हीं का होगा और इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी उन्हीं को मिलेगा। चल चल, काम कर अपना। हे गाइस, जस्ट चिल। वो गवार क्या प्रेजेंटेशन देगी, तुम सब लोग देख लेना, वो हम सब की इंसल्ट करवाएंगी। और हाँ, वो जो तेरी मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं, गांव देहातों की लोकगीत सुनाएगी। या दद्दा दादी की कहानियां सुनाएगी। तुम लोग हंस रहे हो ना, पर जब कोई इंसान पैदा होता है ना तो उसका पहला दोस्त उसके दादा दादी हुआ करे है, और जिंदगी की पहली क्लास उन्हीं से शुरू हुआ करे है। जिंदगी का पहला सबक उन्हीं की कहानियों में मिला करे है, जो हमें अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क समझाते हैं ना, वो हमारे दादा दादी ही होते हैं। पर तुम लोग ये फर्क नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने दादा दादी की कहानियाँ सुनी ही कब है। ईशा, ईशा। जी मैम। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करके रखो उसे पहले मुझे दिखाओ। यस मैम, पर इस फोल्डर में तो कुछ नहीं है, खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन कहाँ दोगी? मैम, मैंने पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनाकर आपको भेजा था। आप एक मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। पर ये तो सब खाली है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? मैम, मैं माँ बापों की कसम खाती हूँ, मैंने सच में बनाकर आपको भेजा था। जस्ट शट अप। ये क्या कसम वसम लगा रखी है? यह तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा ऑफिस है। जी मैम। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? तुम पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश ये प्रेजेंटेशन मैंने आकाश को दी होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, यह हमारे
कस्टमर की लिस्ट है। हमारे सभी कस्टमर हमारी कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड है। वेल डन जेंटलमैन, अब आप सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। जी सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, काफी मेहनत की है मैंने इसे बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जीवन तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यस सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है आपको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। गुड, वेरी गुड जीवन, इसमें मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। अब ईशा। जी सर। तुम अपना प्रेजेंटेशन अभी मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन का बेसब्री से इंतजार है। सर सर, मैं आपको बताने ही वाली थी कि माय प्रेजेंटेशन इज रेडी सर। ईशा, ईशा। हाँ ईशा, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। सर, यह मेरी प्रेजेंटेशन। हमारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, पर हमारी कंपनी की रीच काफी लो है। मेरे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारी कंपनी घर घर तक पहुंच जाएगी। हमारा प्रोडक्ट वे देख सकेंगे, खरीद सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर उनको कोई भी समस्या होगी तो हमसे संपर्क कर सकेंगे। बहुत बढ़िया ईशा, वेल डन ईशा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी प्रभावशाली था। तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। हमारी कंपनी में हमें तुम जैसे ही एम्प्लॉय चाहिए। और हाँ, तुमने ये जो शानदार प्रेजेंटेशन दिखाया ना, उसकी वजह से मैं तुम्हारी पूरी ब्रांच को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर फॉर कंपनी विजिट। ईशा, जीवन, हम सभी को तुम पर नाज है, आज तुम्हारे कारण ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई है। पर मैम, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ईशा, आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ की बोली, जिसे बोलन में मुझे शर्म नहीं गर्व महसूस हुआ करे है, पर कुछ लोगों में इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुआ करे है, क्योंकि उन्हें यह भाषा अपने स्टेटस की ना लागे है। पर वे क्यों भूल जाया करे है कि जिस स्टेटस की वह बात करे है, उस स्टेटस की नींव में यही भाषा है। यह भाषा एक गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें खेतन खलिहानों की खुशबू आया करे है। संत कबीर, तुलसी, पंत निराला, प्रेमचंद जैसे कवियों लेखकों ने हिंदी भाषा और उनकी बोलियों में पिछले 500 सालों में साहित्य रचा है। आज के लोगों को इसे बोलने में उनका स्टेटस गिर जाया करे है, इसे सुनने में अपमान महसूस हुआ करे है। मैडम, हम घर के बाहर कितनी गैर भाषा का प्रयोग कर ले, पर हम घर आते ही अपनी मातृभाषा में बोलने लग जाते हैं। काहे, काहे कि अपनी बोली में हमें सुकून मिले है। यह बोली हमें अपने परिवार से जोड़कर रखे है, हमारे संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखे है। ईशा, ते तो हमारे बदन ही आग खोल दी थी। और हाँ आकाश सर, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आपने ही ईशा मैडम की पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन डिलीट की है, और मैं बॉस को कंप्लेंट करने ही जा रहा था, लेकिन ईशा मैडम ने मुझे रोका और कहा मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से और अपने कर्म से देना है। ईशा, क्या तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो ईशा। सवानो बोलो यदि सांझे घर आवे तो इन्हें भूलो नो कहवाए। नम नाटम हो ये नम मरिकनो। इसके कहने का मतलब है हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली सुनो साथी संगी हम जोली। धन्यवाद बच्चों।